नमस्कार, मैं हूं राजा तिवारी, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। विकास की बात मुखिया जी के साथ कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हुए हैं बलिहार पंचायत में। हम आपको यह बता दें कि बलिहार पंचायत सिमरी प्रखंड जिला बक्सर के अंतर्गत आता है। इस बलिहार पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भरत शर्मा व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बारे में और भी आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि ये तो बहुत ही चर्चित कलाकार भी हैं, साथ ही साथ भोजपुरी जगत के गुरु भी माने जाते हैं। काफ़ी नाम है इनका, सभी जगह प्रचलित है। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि लगभग 2.5 साल के कार्यावधि में इन्होंने अपने पंचायत के लिए कौन कौन से विकास के कार्य किए हैं और कहाँ कहाँ इन्हें परेशानी आ रही है। सबसे पहले तो मुखिया जी, समृद्धि न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमाम जनता, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपसे यह जानना चाहेंगे कि यह जो 7 निश्चय योजना, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है, बिहार सरकार की बहुत ही सुंदर योजना है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या राय है आपका? सबसे पहले समृद्धि चैनल के पूरे परिवार का श्रोता लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। 7 निश्चय के काम को मुखिया जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में कितने गांव लगभग आते हैं? हमारे पंचायत बलिहार पंचायत में बलिहार, बड़का गांव सबलपट्टी, दक्षिण टोला, नकपुरा, टोला वीसा डेरा। और वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड कितने हैं और कितने वार्ड चयनित हुए हैं? 16 वार्ड है हमारे पंचायत में और सैनिक करीब 2, 3, 6, 7, 8, 9 छोटे चयनित हुए हैं। सभी चयनित हो गए। तो ये जितने भी चयनित हुए हैं वार्ड, उनमें बात हुई गली नली पक्कीकरण की और जल नल की, तो ये कहाँ तक का कार्य हुआ है अभी तक? पक्कीकरण में आपको नाली और गली जो है ये सब काम हो रहा है। रही बात जल नल की, तो ये तो अभी नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, ये जान चाहेंगे ये PhD के अंतर्गत है या पंचायत में आपको खुद से करवा रहा है? जल नल हमारे पूरा एरिया जो है ना, इसको आर्सेनिक घोषित कर दिया गया है। इसके चलते अब जल नल देखिए कब तक लगता है, हम लोग इंतजार में हैं। ये PhD के अंतर्गत चला गया है? हाँ जी। लेकिन यहाँ पे अभी आपके यहाँ काम कुछ भी नहीं शुरू हुआ? नहीं, अभी काम शुरू नहीं हुआ। तो इसके बारे में, चूँकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा आप बहुत ही अच्छे कलाकार भी हैं, काफ़ी फेमस हैं आप, तो आपने इसके बारे में कुछ आगे पदाधिकारियों को बोला नहीं कि जल्द से जल्द? हाँ, कल जल संघ का मीटिंग था असेंबली में, इसकी चर्चा भी हुई थी उनके सामने, तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी हैं इसके विषय में। आप जानना चाहेंगे कि अब यह जो घर घर शौचालय बनवाने की योजना है, जो कि स्वच्छ लोहिया अभियान केंद्र सरकार के तहत एक बहुत ही सुंदर योजना है, खुले में शौच को मुक्त करना और सभी घर में शौचालय बना के ODF घोषित करवाना है। गांधी जी का यह सपना था कि 2 अक्टूबर को ODF करवाना है सब जगह, तो ये लगभग आपके पंचायत में कितने प्रतिशत तक शौचालय बना हुआ है? देखिए, शौचालय बनाना और अपने पंचायत को घोषित करना तो सबका लिए के बहुत अच्छा काम है। स्वच्छता जो है, लोग बाहर भी जाते हैं स्वच्छ करने के लिए, कि औरतें नई औरतें माँ बाप बेटी सब जाती है, ये तो बहुत खराब है। पहले नहीं था, अब सरकार इस तरह का योजना सबके सामने ला दी है, तो सबको बनना चाहिए। और खैर, हमारे पंचायत में बहुत कम अब रह गया, बाकी करीब करीब सब लोग बनवा दिए हैं। तो जो बाकी है, हमको लगता है कि अब 30 तक हम लोग सब बना करके रेडी कर देंगे। 30 को ही ODF करना है कि 2 को ODF करना है? 2 तरीके को। अच्छा, जान चाहेंगे कि इन सभी विकास के कार्यों में, खास करके ये 7 निश्चय वाली जो योजना है, इसके विकास के कार्यों में कहाँ परेशानी आ रही है आपको अपने पंचायत में? देखिए, विकास में परेशानी तो कई परेशानी है। लोग जो है जमीन देने में थोड़ा सा ही कर रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे। जमीन नहीं देंगे तो नली और गली या रास्ता कहाँ से बनेगा? कहाँ से बनेगा?
पैसा तो सरकार ने भेज दिया है, पैसा आया हुआ है, रखा हुआ है, उसी में कई जगह काम चल रहा है, कई जगह बाधित भी है। तो जो लोग निजी जमीन नहीं दे रहे हैं उनको आप कन्विंस नहीं करते हैं अपने हिसाब से? कन्विंस आदमी कर रहा है, समझा रहा है, दूसरे लोगों से भी समझाया जा रहा है कि भाई इस तरह के विकास में बातें बाकी बाधित नहीं बनी उसको होने के। अच्छा, इसका मुआवजा भी मिलता है जिसका निजी जमीन बिकाता है? नहीं नहीं, मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा नहीं मिलता, इसीलिए लोग कतरा रहे हैं। हाँ जी जी। अच्छा, जानना चाहेंगे आप इस सात निश्चय योजना पे बिहार सरकार को अपना सुझाव क्या देना चाहते हैं? सुझाव हम सरकार के यहाँ यही कहें, सरकार को अपने लिए बहुत अच्छी योजना है और सबको विकास के प्रकार के लिए सरकार इस तरह प्रयास करके घर घर में साथ में चल दे करके सब बहुत बढ़िया काम कर रही है। बहुत अच्छी है। जी जी, बहुत धन्यवाद। जाना चाहेंगे आप पहली बार यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में हैं या इसके पहले भी हुआ करते हैं? नहीं, बस पहली बार, हम तो आते नहीं लेकिन अपनी पंचायत को विकास के लिए आए थे कि हम रहने सरकार का पैसा आ रहा है तो आप अपने पंचायत को पूरा विकास हो कर दें। यहाँ के लोगों ने आपको चुना या आप खुद से आपको लगा कि नहीं हमें पंचायत का भी सेवा करना चाहिए? यहाँ के लोग किया कि नहीं अब खराब को ही है। यहाँ के जनता का आपको काफ़ी शिकायत मिला, वही खड़ा करा के आपको जितवाया? जी जी। और भी कुछ बताना है आपको दर्शकों को? नहीं, दर्शकों को सरकार बताएंगे, हम अपने पंचायत के लोगों से ही कहेंगे कि भाई अपनी सरकार योजना लाई है, उस योजना को मिलजुल करके सब जमीन दे करके विकास के काम में और मदद करें, सहयोग करें ताकि हमारा पंचायत जो है विकास के स्थिति पर आ जाए। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा हमारी बात हो रही थी बलिहार पंचायत मुख्य प्रतिनिधि भरत शर्मा व्यास जी से। इनका कहना है कि सात निश्चय योजना काफ़ी अच्छी योजना है, इस पर कुछ टिका टिप्पणी उन्होंने नहीं किया, बहुत ही सराहनीय योजना बताया इन्होंने। रही बात इनके पंचायत में गली नली की, तो गली नली जैसे जैसे फंड आते जा रहे हैं वैसे वैसे कार्य होते जा रहे हैं गली नली पक्कीकरण का। शौचालय वाली बात हुई तो शौचालय भी ज़्यादातर बन चुका है, जल्द ही ODF कराने का कोशिश कर रहे हैं। और रही बात जल नल की, तो जल नल अभी इनके पंचायत में यहाँ शुरू नहीं हुआ है क्योंकि इधर PhD के अंतर्गत आर्सेनिक पानी युक्त होने की वजह से PhD के अंतर्गत चला गया है जल नल योजना, जो कि अभी यहाँ तक स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके बारे में इन्होंने अपने पंचायत को देखते हुए कि जल्द ही हमारे पंचायत में जनता को शुद्ध जल मिले, इसके लिए इन्होंने कल इनकी मीटिंग हुई थी जिलाधिकारी से, तो इन्होंने कल उसके बारे में बताया भी, तो उधर से आश्वासन आया कि हाँ जल्द ही हम इस काम को शुरू करवा देंगे आपके पंचायत में भी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। समृद्धि न्यूज़ चैनल से राजा तिवारी, कैमरामैन संजय ओझा के साथ।